Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying issue of shares and the concept is forfeiture and reissue of shares. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Quality Hospitality Limited. पूरा क्वेश्चन पढ़ो. Incorporated with authorized capital of ₹10 lakh, 1 lakh equity shares of 10 each. क्वेश्चन पढ़ने के बाद लास्ट में दे रखा है कि 4000 शेयर्स फॉरफिट कर लिया, 4000 शेयर पे फास्ट एंड फाइनल कॉल मिला नहीं, इन्होंने 4000 शेयर फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट करके उसका आधा रीइश्यू कर दिया और कैपिटल रिजर्व में ₹4000 ट्रांसफर हो रखा है. तो बोल रहा है कि रीइश्यू का एंट्री पास करो. बट अगर मैं फॉरफिचर का एंट्री पास करूँगा तो आपको बेटर समझ में आएगा. अगर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर करना चाह करने के लिए जाओगे तो एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर होगा. दीज शेयर्स वेयर रीसोल्ड लेटर हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स रीसोल्ड एज फुली पेड अप एंड ₹4000 वाज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. पास जर्नल एंट्री फॉर रीसोल्ड शेयर्स. आपको एक ही एंट्री देना है, वो बीच वाला. पहले फॉरफिचर का एंट्री होता था, देन रीइश्यू का एंट्री होता था, देन कैपिटल रिजर्व का होता था. क्वेश्चन में बोला है ये एंट्री मत करो, ये एंट्री मत करो, बीच वाले का एंट्री करो. बट मैं ये तीनों एंट्री कराऊंगा आपको बेटर समझाने के लिए. अगर एग्जाम में ये आएगा तो खाली यही वाला एंट्री, बीच वाला एंट्री करना है. ओके, अंडरस्टूड? तो नाउ स्टार्ट. तो डिजाइन बनाओ, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फास्ट कॉल 3, टोटल हो गया 10. जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं यही समझता हूँ कि आपने क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ा. पढ़ने के बाद 2-4 बार इसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद जितने समझ में आया, 1-2 बार अगर वीडियो देखोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा. नहीं आया तो दो बार पढ़ लो इसको, 2 बार वीडियो देख लो और 1 बार पढ़ लो. ऐसे रिपीटेडली करते रहो ताकि समझ में आए. ये 4000 शेयर्स फॉरफिट करके आधा रीइश्यू करा, 2000 फॉरफिटेड शेयर्स 4000, रीइश्यूड शेयर 2000. अभी जर्नल एंट्री करो. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड मांगा, कॉल करा हमने 4000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, फुली कॉल्ड ऑफ. तो कैपिटल में होगा 40000 टू फॉरफिटेड शेयर्स 4000 × 7 मिला, 4000 × 7 28000 मिला. टू नहीं मिला फास्ट कॉल टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल 4000 × 3 12000. तो मांगा मिला नहीं मिला, वी कॉल्ड फॉर ₹10, मिला 7, नहीं मिला 3. देन नरेशन लिख दो. 4000 शेयर्स 100 ईच फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ 3. इसका 100 ईच नहीं, प्लीज मेक इट 10 ईच. गलती से 100 हो गया, मिस प्रिंट. तो मैंने जब टाइप करके लिखता हूँ तो उसमें मिसप्रिंट हो जाता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. उसके बाद रीइश्यू कितने में करा पता नहीं, बट कैपिटल रिजर्व में 4000 गया है. क्वेश्चन पढ़ो. तो दिस एंट्री इज गिवन, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड कैपिटल रिजर्व 4000, ये दे रखा है. बोल रहा है कि कितने डिस्काउंट में रीइश्यू हुआ बताओ, रीइश्यू का एंट्री करो. क्वेश्चन में यही पूछा है, ये दोनों नहीं पूछा है. बोर्ड में अगर आएगा तो ये करना है. दिस इज ए मस्ट क्वेश्चन. बोर्ड और CUET एंट्रेंस, CA एंट्रेंस और कॉस्ट अकाउंटेंसी का एंट्रेंस, कंपनी सेक्रेटरीज का एंट्रेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा. तो इन्होंने एक्चुअली कैपिटल रिजर्व निकालो, कैसे निकला? तो दिस इज ए केस ऑफ पार्शियल रीइश्यू, क्योंकि 4000 फॉरफिट करा, 2000 रीइश्यू करा. तो फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ पार्शियल रीइश्यू इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू. दैट इज अमाउंट फॉरफिटेड है 4000. दिस इज ए इक्वेशन, LHS इज ओनली RHS. मैं ये वाला LHS को RHS में ले लिया, ये RHS को LHS में ले आया. कैपिटल रिजर्व 4000 जो कि यहाँ से आएगा आपके 4000, और अमाउंट फॉरफिटेड 28000 ये आया. नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 4000 दे रखा है एंड नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 2000, इधर से मल्टीप्लाई करो. माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू
ये है नहीं, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिटेड, इसको एक्स लो और सॉल्व कर दो, एक्स विल बी इज इक्वल टू 10,000, यानी डिस्काउंट ऑन रीस होगा 10,000। अगर ऐसे आप देसी तरीके में देखोगे, ये 28,000 का आधा रीस हो रहा है, तो 14,000 से 4,000 प्रॉफिट हो गया, तो डिस्काउंट दे दिया 10,000। आप कॉमन मिनिमम इंटेलिजेंस लगाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी यानी आपने नरेशन जब लिखोगे, लिखोगे 2000 शेयर आप रीशूड एट 5 इज फुली पेड अप, यानी इसका हाफ 14,000 से क्या माइनस करने पे 4,000 आएगा। तो आपके बोर्ड में ये वाला एंट्री आपको करना है, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।